चश्मा के मिस्टर सोडी हो गए हैं लापता। पिछले 4 दिनों से इनका कुछ नहीं है अता पता। टेंशन में है पूरा परिवार, नहीं मिला कोई सुराग। आखिर किससे की थी उन्होंने आखिरी बात? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि ये बात एकदम सच है। टीवी के सबसे पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मिस्टर सोडी, जिनका असली नाम गुरुचरण सिंह है, वो 22 अप्रैल से लापता है। ना उन्होंने किसी को बताया कि वो कहाँ है, ना उनका कोई सुराग मिला। गुरुचरण सिंह दिल्ली से मुंबई के लिए अपने घर से 22 अप्रैल को सुबह निकले। दिल्ली से मुंबई जाने वाली उनकी फ्लाइट सुबह 8:30 बजे की थी, लेकिन मुंबई नहीं पहुंचे। उनकी एक दोस्त भक्ति सोनी एयरपोर्ट भी पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिले। इस खबर के बाहर आने के बाद टीवी इंडस्ट्री में खलबली मच गई कि आखिर गुरुचरण सिंह दिल्ली से मुंबई के बीच कहां लापता हो गए। उनके लापता होने की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, परिवार में मातम छा गया। एक्टर के पिता ने दिल्ली के पालम थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से पुलिस जांच में लगी है, लेकिन अभी तक गुरुचरण सिंह का कोई सुराग नहीं मिला है। गुरुचरण सिंह के फैमिली ने हमें एक कंप्लेन लॉज की थी कि वो 22 अप्रैल को शाम को 8:30 बजे ही वॉज सपोज टू ट्रेवल टू मुंबई, और फिर वो आ नहीं गए, तब से ही वो मिसिंग है। इसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन मल्टीपल एंगल्स। बेसिकली हम इसमें फुटेजेस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें हमें वाइटल क्लूज अभी काफ़ी मिले हैं, उसी पे हमारी टीम्स काम कर रही हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। गुरुचरण सिंह के लापता होने के बाद तारक मेहता की पूरी टीम भी उनको ढूंढने में लग गई है। यहाँ तक कि शो के प्रोड्यूसर और एक्टर जेडी मजेठिया ने इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बात की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि गुरुचरण सिंह दिल्ली में एयरपोर्ट के लिए निकले तो थे, लेकिन फ्लाइट में नहीं चढ़े। जेडी मजेठिया के मुताबिक फ्लाइट में चढ़ने से पहले गुरुचरण सिंह ने भक्ति सोनी को मैसेज किया था कि वो बोर्डिंग प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। वहीं पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगी है, जिसमें गुरुचरण सिंह जाते तो दिख रहे हैं, पर अभी तक एक्टर का कोई सुराग नहीं मिला। उनका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने फोन की भी छानबीन शुरू कर दी है, हालांकि कुछ चीजें अभी तक नहीं मिली है। वो चीजें क्या है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। जो हमने जो केस रजिस्टर किया अंडर 365 आईपीसी, जो अबडक्शन के सेक्शंस में हमने केस रजिस्टर किया, और जो हमें इनिशियल प्रूफ जो है हमारा जो है कि सीसीटीवी में जो मूवमेंट दिख रहा है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और इसके कॉरोबोरेटिव टेक्निकल एविडेंसेस को भी एनालाइज कर रहे हैं। गुरुचरण की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया है। यही नहीं, पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 के तहत एफआईआर भी दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल तक गुरुचरण सिंह का फोन भी काम कर रहा था, लेकिन अब ये लगातार बंद आ रहा है। एक सोर्स ने बताया कि गुरुचरण सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर अंदर नहीं गए थे, बल्कि वो बाहर ही नजर आए थे। अब पुलिस गुरुचरण के फोन और मैसेज के रिकॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पता चल सके कि लापता होने से पहले गुरुचरण सिंह ने आखिरी बार किससे बात की थी। फिलहाल तो गुरुचरण सिंह के माता पिता इस खबर से बेहद परेशान हैं। उनके माता पिता अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते। अब तो बस उनके पास पुलिस का सहारा है। मैं खुद शाम को पता लगाया, कल ज्यादा नॉलेज नहीं इस बारे में, और उनके पेरेंट्स रहते हैं ऊपर 2 साल से, पिछले 2 साल से वो आते जाते रहते हैं। इस बार आए थे, मिले भी थे सुबह, बट उसके बाद कुछ पता नहीं चला, कल शाम को पता लगा। हाँ, पुलिस उस दिन से आ रही है कैमरा देखने। पुलिस वाले सिर्फ ये देख के गए हैं क्या कपड़े पहने हैं, इसके अलावा कोई बातचीत कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने भी उनको आश्वासन दिया है कि वो लोग गुरुचरण सिंह को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। आपको बता दें, साल 2020 में गुरुचरण ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया था। शो के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग को भी अलविदा कह दिया था। उनकी मानसिक हालत की बात की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको किसी तरह का कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं था। अगर आपको भी आपके फेवरेट एक्टर मिस्टर सोडी की कोई सुराग मिलती है तो हमें जरूर बताइए। बाकी तमाम अपडेटेड खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।